तो देखिए, कुशीनगर में दरवाजे पर पड़ी टॉफी खाने के बाद चार बच्चों की जान गई है। मृतकों में दो बच्चा और दो बच्ची शामिल है। परिजनों का कहना है कि टॉफी खाने के कुछ समय बाद ही बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चार बच्चों ने तो दम तोड़ दिया। वहीं इस खबर पर सीएम ने संज्ञान लिया है, बच्चों की मौत पर शोक जताया है। डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पीड़ित परिवार को तुरंत ही सहायता पहुंचाने, घटना की जांच के आदेश दिए हैं। और हमारे सहयोगी अखिलेश जिस तरीके से इस स्टोरी पर, इस खबर पर नजर बनाए, उनका ये कहना है कि अभी इंतजार हो रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इन चार बच्चों की जान गई कैसे। घर वालों का आरोप है कि एक टॉफी, एक लिफाफा घर के बाहर रखा था, जिसमें कुछ रुपए, 5-10 रुपए और टॉफी थी, जिसे खाने के बाद ही चारों बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। पैसा हमारे द्वार पर गिरा था, हमारी बड़ी वाली लड़की उठा कर बांट के आपस में चारों आदमी खा लिया। कोई ने टॉफी खा लिया, उसको 5 मिनट के बाद हमारे चारों बच्चे इससे तड़फड़ा कर गिरने लगे। उसको भाग के लेकर जिले पे आए, तो हम तो नहीं जान पाएंगे कैसे, किस पे शक लग रहा है, किस पे नहीं, हम तो नहीं बता पाएंगे। हमारे दुश्मन तो नहीं है कोई। देखिए, ये थाना कसिया का ग्राम सिसई गुरमिया लगता है। इसमें सुबह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि चार बच्चे जो है उनके घर के बाहर किसी ने टॉफी वगैरह रखी थी और जिसको खा करके ये बच्चे अचेत हो गए हैं। तत्काल उनको जिला अस्पताल पर लाया गया, लेकिन उनके रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। किन परिस्थितियों में डेथ हुई है, जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें ये जहरीली टॉफी की बात निकल के आ रही है। सारे पहलुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। वहाँ पर फूड सेफ्टी की टीम, हमारी फॉरेंसिक की टीम, सभी टीमें जांच कर रही हैं और शीघ्र इसमें सारी बातों का लोग निचोड़ निकलेंगे।